तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों। आज ना मैं आपको सही बताऊं, आज ना हम एक कैंडल को रीड करेंगे। यानी कि एक कैंडल के अंदर जो बायर सेलर है ना, यानी कि इस कैंडल के अंदर कितने बायर थे और कितने सेलर थे, और इनका हमने दिमाग कैसे यूज करना है, माइंड के साथ खेलेंगे आज। ठीक है, अब मानो को यहाँ पे 30 सेकंड सेलेक्ट करते हैं। अब लोगों को लग रहा है कि यार बायर ने यहाँ पे इसको डाउन लाना है, और मैं कहता हूँ कि 30 सेकंड अप जानी है। यहाँ पे हमने ना 30 सेकंड के लिए एंट्री लगा दिया। अब देखो बायर इस कैंडल में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा कि बायर सोच रहे हैं कि इसको डाउन आना है। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग जो जो सेलिंग है वो सोचा कि यहाँ से मार्केट पंप करेगी डाउन के लिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये कैंडल हमेशा 30 सेकंड के लिए अप जाएगी। वो क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ पे जो लोगों के माइंड सेट से ये कैंडल बनती है ना, लोगों के माइंड सेट से जो कैंडल चल रही है, अब लोगों का माइंड सेट क्या है ये देखिए। मुझे सबसे पहले तो भाई ये प्रॉफिट होगी, ठीक है, सिंपल सा, कोई बड़ा रीजन नहीं है, हमने माइंड सेट से खेला। ठीक है, अब देखो ये हमारी प्रॉफिट होगी। अब यहाँ पे लोगों का क्या जेर रहेगा, जरा सोचिएगा समझिएगा। अब ये कैंडल बनी है अप डायरेक्शन की, ठीक है, इसके अंदर थे बायर, इसको अप ले गया। अब यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, ये डाउन आ रही थी। अब लोगों ने यहाँ पे डाउन के लिए एंट्रियां लेनी स्टार्ट हो गई, यहाँ से कैंडल डाउन जाएगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस कैंडल के अंदर अगर तो बायर बैठे हैं जो मार्केट को अप लेके जा रहे हैं, तो ये जो रेड के लिए कैंडल डाउन आ रही है, तो जहरी बात है इसके बीच में भी बायर जरूर होंगे मिनिमम 30 सेकंड के लिए। तो हमने यहाँ पे दिमाग लगाया और 30 सेकंड के लिए यहाँ पे बायर को पकड़ा। ठीक है, जो बायर थे और सेलर की फाइट हुई यहाँ पे। ठीक है, और उसमें हमने डिसाइड किया कि यार प्रेशर जो है बायर का, इसलिए 30 सेकंड के लिए आपके भाई ने आपकी ले ली है एंट्री। ठीक है, आज की वीडियो ना दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप खुद कमेंट में बोलोगे आज कि यार आज क्या ही सिखा दिया, और ये मैं लिख के रहता हूँ, ये चीज किसी ने समझाई नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ, कभी भी देख लेना, खुद तुम लोग बोलोगे। ठीक है, अब देखो जी, अब ये कैंडल एक बन रही है। ठीक है, ये कैंडल बन रही है। ठीक है, अब इस कैंडल के अंदर हमने डिसाइड करना है कि बायर का प्रेशर है या सेलर का, क्योंकि हमने 30 सेकंड पे एंट्री लेनी है। ठीक है, अब देखिए जी, इसके अंदर बायर और सेलर की फाइट हो रही है। ठीक है, सेलर जो है, सेलर कह रहे हैं डाउन आएगी, बायर कह रहे हैं अप जाएगी, ऐसा ही हो रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या दिमाग लड़ाना है। ठीक है, अब ये कैंडल इसको वापस कवर करने आती है, एक मिसाल है, इसको वापस कवर करने आती है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे कितने सेकंड रह गए इस कैंडल को क्लोज होने में, 14 13 12। ठीक है, इस जैसे ये सेकंड खत्म होंगे ना, मैं नेक्स्ट कैंडल आपको लिख के देता हूँ। नेक्स्ट कैंडल किसके लिए जाएगी बताओ, मैं बताऊँ किसके लिए जाएगी, ग्रीन के लिए जाएगी। 30 सेकंड के लिए हम ग्रीन के लिए एंट्री ले गई, यहाँ पे हमने ले ली। आप बोलते हो हमें पता चले कि पहले ही हमें पता चल जाएगी यार नेक्स्ट कैंडल किस तरफ जाएगी, तो आपके भाई ने यहाँ पे एंट्री ले ली ग्रीन के लिए। एक 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड कितना टाइम होता है, बहुत कम होता है यार, कुछ ज्यादा तो नहीं ना होता, बहुत कम होता है 30 सेकंड। और आपके भाई ने वैसा ही किया 30 सेकंड के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था यहाँ पे बायर ने, हाँ जी दिमाग है भाई, आप कहते हो ना हमें पहले ही पता चल रहा है कि भाई मार्केट जो अगली कैंडल कौन सी बननी है, ये लो बता दिया और ये लो प्रॉफिट भी हो गई। मैंने पहले ही बताया ना 30 सेकंड के लिए अप जाना है, गई, इसके बड़े भी जाएंगे। दिस इज अ नॉलेज ब्रो, नॉलेज आपको बोला ना, आज के इस वीडियो के एंड होने तक आप खुद बोलोगे भाई मजा आ गया यार आज की वीडियो में। देखो आज की इस वीडियो में हमने ना जो बायर सेलर की फाइट है, जो कैंडल डाउन और अप होती है ना, उसके अंदर हमने उनका फायदा उठाना है। ठीक है, कैंडल कहाँ पे आ रही है, डाउन आ रही है, लेकिन हमने एंट्री ली थी अप के लिए। इन दोनों के बीच में जो फाइट हो रही थी ना, मुझे मालूम था यहाँ से 30 सेकंड इसने अप जाके फिर डाउन आ जाना, हमने उस फाइट का फायदा उठाया और मार्केट से प्रॉफिट लिया। इतना ही नहीं, हम आपको आगे और बताते हैं, ये एक स्ट्रेटजी डेली बेस पे वर्क नहीं होती, ये पहले आपने डेमो पे प्रैक्टिस करनी है और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है कि डेमो पे ये स्ट्रेटजी आपको फायदा दे रही है, फिर आपने काम करना है। ठीक है, अब देखो, अब आप और मैं, हम दोनों यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, आपने लगाई है अप के लिए और मैंने लगाई है डाउन के लिए। अब ये कभी अप जा रही है और कभी डाउन आ रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है आपके सामने, इन दोनों की फाइट हो रही है। ठीक है, अब हमने इन फाइट का फायदा फिर लेना है, ये कितने सेकंड रह गए। अब मैं कहता हूँ जी नेक्स्ट कैंडल 100/100 डाउन के लिए आएगी 30 सेकंड के लिए, मैं बता रहा हूँ इस कैंडल को देख के। अब कहते हो ना कि हमें कैंडल का पता नहीं चलता, ये पता चलता है, ये पता चलता है कैंडल का। अब देखते हैं,
यहाँ पे वेट करेंगे देखिए, ये कैंडल इस कैंडल की प्रेशर से ओपन होती है, ठीक है। इस कैंडल का प्रेशर क्या है? अप के लिए, लेकिन हमने कहाँ लगाई? डाउन के लिए एंट्री लगाई। क्यों लगाई? सिर्फ बायर और सेलर के माइंड सेट से आपका भाई खेला है। जब आप बायर और सेलर का देखो, ये जो मार्केट है ना, बायर और सेलर के माइंड सेट से चल रही है। जो 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना, वो 95% लोग जो लॉस करते हैं, उनके उनके दिमाग से लॉस करते हैं। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? यह ये भी प्रॉफिट हो गया। अब मैंने क्या सोचा? मैंने उस 95% जो सेलिंग जो लॉस करने वाले लोग हैं ना, उनका माइंडसेट पड़ा है कि यार वो क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पे 30 सेकंड के लिए सोच रहे होंगे। और उन्होंने जो सोचा, मैंने उसके ऑपोजिट सोचा और ये आपके सामने प्रॉफिट हो गया। दिस इज अ नॉलेज ब्रो। मजा ना आ रहा वीडियो में? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? समझ आ रही है कुछ चीज? अगर कुछ भी समझ आ रही है यार, एक दफा कमेंट में इतना बोल दो कि भाई जान आज कुछ बेहतरीन समझ लगी। आप जो वाकई कोई बायर सेलर की प्रेशर की समझ लगी, आप कहते हो कि नेक्स्ट कैंडल का मूव हमें कैसे पता चलेगा। और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% बायर सेलर का प्रेशर बताया। इसके अंदर हजारों की स्ट्रेटेजी पड़ी है। जो 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना, जो 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो उन 95% लोग जो लॉस करते हैं, उनके माइंडसेट से चलते हैं कि यार वो लॉस। बिगनर क्या सोच रहा होगा? यहाँ पे बिगनर क्या सोचता है? रेड बनी तो डाउन आएगी, ग्रीन बनी तो अप जाएगी। लेकिन नहीं, जो 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो क्या सोचेगा यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, इस तरह मार्केट को चलाना है। मजा आ रहा है वीडियो में? सच्ची बताओ मजा आ रहा है तो कमेंट करके ना एक दो बार बोल दो कि यार आज कुछ वीडियो में मजा आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल में भी जुमाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। देखो आपके सामने सब कुछ हो रहा है, मैं कोई जादू कर नहीं, और प्रॉफिट की तरफ तवज्जो मत दो। जो कर रहा हूँ देखो वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक नजर आ रहा, समझ आ रही है। अब ये कैंडल देखें, ये कैंडल ओपन हो रही है। अब यहाँ पे लोगों को क्या लग रहा है? यहाँ पे बायर है, बाय 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 अप जा रही है, ऐसे ही लोग सोच रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे वेट किया आपके भाई ने, वेट किया। ठीक, ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे और ये वेट किया और ये ओए यहाँ पे लगाना चाह रहा था मेरी एंट्री, यहाँ पे मेरी एंट्री थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन देखो इसने इस वीक को अगर कवर करने के लिए आती है, ये कैंडल इस वीक को कवर करने की आती है, तो फिर खतरा खत्म, दी एंड, टाटा बाय बाय, टेंशन नोट, ठीक है। अब लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है जी देखिए, यहाँ पे हमने एक एंट्री ली है, यहाँ पे ये हमारी कवरेज दे रही है, ठीक है। अब लोग क्या यहाँ पे सोचते हैं? लोग क्या सोचते हैं? इसके ऑपोजिट लोग सोचते हैं, ये हमें प्रॉफिट होगी। लोग इससे क्या सोचते हैं? ऑपोजिट, यहाँ से कैंडल अप जाएगी। मैंने क्या सोचा? यहाँ पे बिगनर क्या सोचता है? अप जाएगी, ये बायर का प्रेशर है, अप जाएगी। मैंने सोचा नहीं, डाउन आएगी। सब बिगनर सोच रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचेगा भाईजान, नथिंग नहीं सोचेगा। प्रॉफिटेबल ऐसा कभी भी नहीं सोचेगा, वो सोचेगा इस कैंडल के बिहेवियर को। और आपके भाई ने वो समझा। ये जो आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे, जिस वीडियो के टाइटल पे क्लिक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, क्यूटेक्स जोन लिंक लिखा होगा, लिंक पे क्लिक करके अकाउंट बनाएं। नीचे व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा आपको, आप हमसे डिपॉजिट और विड्रा करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम रियल काम करते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का और अच्छा पार्ट चाहिए, नेक्स्ट पार्ट, देखो आप जिन जिन वीडियो में ये बोलते हो कि भाई इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए, मैं उस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ। और पूरी की पूरी अपनी जितनी भी मेरा एक्सपीरियंस होता है, जो मार्केट में मैं करता हूँ, वो मैं सब आप लोगों के सामने नजर रखता हूँ। आजकल लोग YouTube पर जाते हैं, सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं और कहते क्या है, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे आके VIP हमारे सिंगल लो, हमसे आके सीखो। लेकिन जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो कभी भी ये नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ये देखो यहीं पे सीखो, यहीं पे प्रॉफिट करो, ये है इसकी नॉलेज, इसकी ये साइकोलॉजी है कैंडल की, वो साइकोलॉजी है। दिस इज अ मोमेंट, आप खुद बोलो कमेंट में कि यार वीडियो में क्या आपको सीखने को मिला, वीडियो में क्या सीखने को मिला? बायर और सेलर का प्रेशर, मैंने हर वो कैंडल बताई है जो बनने से पहले बताई है कि यार ये बनेगी इस कलर में कैंडल, ये ग्रीन में बनेगी, ये रेड में बनेगी, ऐसा बताया। अगर इस वीडियो का भी आप लोग नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो वीडियो के नीचे ये जरूर लिखना कि अली भाई जो आज आपने समझाया हमें समझ लगी है। अगर नहीं भी लगी तब भी बताना मुझे, मुझे उम्मीद है पूरा जो ट्रेडर है उसे ये अच्छी तरह समझ लगी होगी। और जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ भी आई है और आप लोगों ने उससे मज़ा भी लिया है। और आज आप लोग इस वीडियो से ये भी बोलोगे यार लोगों का प्रॉफिट देखते मज़ा नहीं आता, जो आज सीखने में मज़ा आया। और मैं अपनी हर एक वीडियो में सिखाऊंगा, बार बार के सिखाऊंगा, जिससे मेरे भाई खुद बोलेंगे यार ये बंदा कुछ हमें सिखा रहा है, ठीक है।
और बाकी मजेदार कमेंट कर दें, ठीक है, ताकि दिल भी खुश हो जाए और मुझे लगे मेरी पब्लिक इसमें इंटरेस्टेड है। ऐसा कमेंट करें कि मैं देखूं और मुझे लाइक करने में तुम्हारा तुम लोगों का कमेंट मजबूर हो जाऊं कि यार वाकई मेरी पब्लिक मुझसे कुछ सीख रही है, मैं नई वीडियो में कुछ और डालूं, कुछ नया डालूं। ठीक है, आज की वीडियो का मजा आया होगा, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छी नॉलेज डालेंगे। तुम लोगों को कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग यहीं पर सब कुछ सीखोगे। वीडियो में 1% भी समय लगी हो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर 1% भी समय लगी है लाइक भी जरूर करें। ठीक है, बाकी यही वीडियो थी, आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।